हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन यानी कि जब हमें कुछ लाइंस को मिलाकर के एक पैराग्राफ जैसा बनाना होता है तब हम उसे कंपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें अपने आप के बारे में कंपोजिशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी ये पिक्चर लगाएंगे, उसके बाद अपने बारे में कुछ छोटे छोटे सेंटेंस लिख करके कंपोज करेंगे। तो जैसे सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यदि आप 5 ईयर ओल्ड हैं तो आई एम 5 ईयर ओल्ड। माई फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी आपके पापा का नाम है आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। ही इज ए टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आपके पापा का प्रोफेशन है आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। माई मदर्स नेम इज मिसिज डैश, यहाँ पर आप अपनी मम्मी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद शी इज ए हाउस वाइफ या वर्किंग वुमेन या शी इज ए टीचर, जो भी आपकी मम्मा है उसके बारे में लिख सकते हैं। आई लिव इन, जिस जगह में आप रहते हैं उस जगह का, उस सिटी का नाम लिखना है। एंड आई एम इन क्लास डैश, यहाँ पर आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है। सपोज आप नर्सरी में हैं या LKG में हैं उसका नाम। एंड आई स्टडी इन डैश स्कूल और अकेडमी, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। एंड आई लाइक टू प्ले डैश, यहाँ पे आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है उसका नाम लिखना है। एंड आई लाइक टू ईट डैश, आपको जो भी चीज खाने में बहुत ज्यादा पसंद है यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, जैसे हमने पहले पेज पर अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी, अपने बारे में कंपोजिशन किया, यहाँ पर हम अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में कंपोजिशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड की पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करनी है, उसके बाद अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बातें लिखनी है। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड इज डैश, उसका नाम लिखना है। शी इज डैश ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का है। ही स्टडीज इन क्लास डैश, वो किस क्लास में पढ़ता है। ही लिव्स इन, कहाँ पर रहता है। अब हर मद हिज मदर नेम इज, जो भी उसकी मम्मी का नाम है, उसके पापा का नाम है। एंड ही लाइक्स टू ईट, क्या 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 चीजें खाने उसको पसंद है। एंड क्या पीना पसंद है। एंड वो क्या क्या खेलना पसंद करता है, और वो आपके साथ आपके स्कूल में पढ़ता है या किसी और स्कूल में पढ़ता है, जिस भी स्कूल में पढ़ता है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ मिक्स बैग है, मीन्स ऑफ ट्रेवल बाय लैंड, कि जो चीजों से आप लैंड पर ट्रेवल करते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि कार, साइकिल, जीप, ट्रेन, स्कूटर, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, रिक्शा। ये सब चीजें हमें लैंड पर ट्रांसपोर्ट के काम आती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में काम आती है। तो बच्चों, और कुछ मीन्स ऑफ ट्रेवल ऐसे भी होते हैं जो हवा से या पानी से किए जाते हैं, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, हॉट एयर बैलून। ये सब क्या है, हवा में चलने वाले मीन्स ऑफ ट्रेवल है। और शिप, स्टीमर, बोट, सबमरीन, ये क्या है, पानी में चलने वाले भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद डेज ऑफ वीक पढ़ेंगे बच्चों। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसी तरह से एक साल में 12 महीने होते हैं, मंथ्स इन ए 1 ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसके बाद बच्चों नेम्स ऑफ सीजन पढ़ेंगे। सीजन्स कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ, मेनली समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी यानी बरसात का मौसम, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, ऑटम यानी कि पतझड़ वाला मौसम। इसके बाद हम नेम्स ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे, कुछ फलों के नाम जैसे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट। वेजिटेबल्स के नाम जैसे कि पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, टर्निप। इसके बाद नेम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, बच्चों डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं, जो एनिमल हमारे किसी काम आते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं, जैसे डॉग, हॉर्स, रैबिट, कैट, गॉट, काउ, ये सब हमारे काम आते हैं, इनको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। अब हम कुछ नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पढ़ेंगे। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर, लॉयन, फॉक्स, बियर, टाइगर, जो कि जंगल में रहते हैं। इसके बाद नेम ऑफ फ्लावर्स, कुछ फूलों के नाम जैसे कि रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, ये सभी गुलाब का फूल, कमल, सूरजमुखी, गुड़हल, ये सभी फूलों के नाम हैं। नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों के नाम, जैसे कि
माउथ, टीथ, नोज, नेक, ईयर, इस तरह से बाकी भी हमारे बॉडी पार्ट्स के नाम है जिन्हें आप आराम से पढ़ सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसके बाद नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर बेबीज। बच्चों यहाँ पर कुछ जानवरों के और उनके बच्चों के नाम लिखे हैं, जैसे कैट, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन। लायन के बच्चे को कब, गॉड के बेबी को किट, डॉग के बेबी को पप, डक के बेबी को डकलिंग, हॉर्स के बेबी को फोर। इसी तरह से बाकी जो भी एनिमल्स के बेबीज नेम है आपको उन्हें लर्न करना है। नेम ऑफ एनिमल्स क्राइज। बच्चों जानवरों के जो बोलने की आवाजें हैं सबकी अलग अलग होती हैं, उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे डॉग के बोलने को क्या बोलते हैं? बार्क, भौंकना। कैट जो बोलते हैं उसको मियोस बोलते हैं। हॉर्स क्या करता है? नीज करता है। गॉट ब्लीट करती है। मंकी स्टैटर करता है। उसकी जो साउंड होती है, जिस तरह से वो चिल्लाते हैं, उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। डक क्या करती है? क्वैक क्वैक। बीज बर्जिंग करते हैं। एलिफेंट ट्रम्पेट्स करते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग एनिमल्स की साउंड्स को लर्न करना है। अब हम कुछ एनिमल्स के होम्स के नेम पढ़ेंगे कि अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। जैसे डॉग कैनल में रहता है, गॉट पेन में रहती है, फ्रॉग पॉन्ड में, कैट हाउस में, हॉर्स स्टेबल में, बर्ड नेस्ट में, बी हाइव में। तो ये बच्चों एनिमल के घरों के नाम हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। थैंक यू।